बहुत ही सुखद क्षण है आज हम सब के लिए, पूरे भरतपुर शहर के लिए, हम सब के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, कि आज हमारे नवीन विश्वविद्यालय ब्रज विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ, जिसमें माननीय कुलाधिपति महोदय ने, राज्यपाल महोदय ने, साथ ही चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट ने शिरकत की। यहाँ पधार करके उन्होंने हमें आशीर्वचन दिया, कन्वोकेशन एड्रेस दिया, जो मेडलिस्ट के योग्यताधारी जो छात्र छात्राएं हैं उन सबको मेडल प्रदान किए गए। ये हम सब के लिए सुखद भविष्य की ओर एक संकेत है कि हमारा विश्वविद्यालय नए सोपान की ओर अग्रसर है। हमारी जनरल का विमोचन किया गया और ये सफल आयोजन जो हुआ है, मैं कहना चाहूँगा इसके लिए कि ये मेरी टीम के बिना, हमारे वॉलंटियर्स के बिना, हमारे साथी अधिकारियों के बिना संभव नहीं था। म्यूज़िक की परिस्थिति जो रही वो आदरणीय गुरु जी के बिना और लक्ष्मी जी के बिना, इनकी टीम के बिना संभव नहीं था। मेरे MSTT कॉलेज, अग्रसेन कॉलेज, उदार कॉलेज, रहीमपुर का एक कॉलेज, इन कॉलेज के जो वॉलंटियर्स थे उन सब ने दिन रात करके मुझे जो सहयोग दिया उस सब के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ सबका, कि जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम संभव हुआ। हमारे एंकर्स जो यहाँ पे आए, अनुपमा जी और आदरणीय राकेश जी, उनकी बहुत अच्छी एंकरिंग रही। सभी जो गणमान्य नागरिक, जो शहर के गणमान्य नागरिक पधारे, उनका भी मेरी ओर से धन्यवाद कि उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सभी छात्र छात्राओं को, उनके पेरेंट्स को, उनके प्रिंसिपल्स को, सभी हमारी प्रेस, प्रिंटिंग मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, DD, GTV, ETV और फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उन्होंने हमारे इस पूरे कार्यक्रम का जो लाइव प्रसारण किया उनके लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को धन्यवाद, आप सबको उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी आशा है मुझे कि हमारा जो आने वाला कन्वोकेशन होगा और भव्य होगा और गौरवशाली होगा और मर्यादापूर्ण होगा। शुक्रिया। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि पहला दीक्षांत समारोह यहाँ आयोजित हुआ है जिसमें राज्यपाल महोदय आए, हाईकोर्ट के चीफ जज महोदय आए। मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में मेरी सबसे पहली मांग थी कि जो प्रतिभाएं हैं हमारे भरतपुर जिले की, उनको राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाए। ब्रज विश्वविद्यालय के यहाँ अधिकारियों ने अच्छा भव्य कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम भानु शर्मा है और मैंने MSB यूनिवर्सिटी से 2018 में MSc बॉटनी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं यहाँ के चांसलर श्री कल्याण सिंह जी, हमारे वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया और बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जिनसे हम इतनी अपनी उपलब्धियाँ प्राप्त कर पाए। इस वक्त मैं एक इंस्पायर फेलो के तौर पर CSIR का इंस्टीट्यूट CMAP मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का लखनऊ में, वहाँ से अपनी PhD कर रही हूँ। अपनी इस उपलब्धि के लिए मैं पूरे यूनिवर्सिटी स्टाफ और कॉलेज स्टाफ को थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू। समारोह हुआ है ये भरतपुर के इतिहास के लिए, इतिहास में पहली बार हुआ है, भरतपुर के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट इन बच्चों को होगा जो जिंदगी भर के लिए इनके लिए एक मोमेंटो मिला है, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या इस तरह का जो भी आपको मेडल या और सर्टिफिकेट राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के हाथ से मिला है, ऐसा मोमेंट बच्चों के लिए और सभी के लिए, जिस भी किसी को मिलता है, ये अपने आप में बहुत मुश्किल और बहुत ऐसा क्षण है जो दोबारा से नहीं आएगा। तो आज मैं सभी बच्चों को और सभी को बधाई देता हूँ कि इतने बढ़िया प्रोग्राम के अंदर इन लोगों को शिरकत करने का मौका मिला। मैं सर राज्यपाल ने, महामहिम राज्यपाल के द्वारा ये मोमेंटो जो मिला है उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामना, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके लिए आगे जी के लाइफ में उन्नति करें, इन सब के लिए मैं आपको। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरे लिए 2018 में ग्रेजुएशन BMF गोल्ड मेडल मिला है। मैं इसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय, राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी एवं सभी यूनिवर्सिटी के सदस्यों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ एवं इसका श्रेय मैं भगवान जी, माता पिता एवं श्री गांधी ज्योति महिला महाविद्यालय के शिक्षकों को देना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम रवि कुमारी है, मुझे MSc फिजिक्स 2017 में गोल्ड मेडल मिला है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता के साथ और टीचर्स को देना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता पांडे और मुझे BA 2018 के अंदर सिल्वर मेडल मिला है। इस मेडल के लिए मैं मेरे परिवार और मेरे कॉलेज स्टाफ, अपने यूनिवर्सिटी स्टाफ का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अंजलि, मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में गोल्ड मेडल मिला है। इसके लिए मैं कुलपति अश्विन कुमार बंसल एंड अपनी फैमिली के लिए थैंकफुल। हेलो, मेरा नाम अंकिता मित्तल, मेरे को
महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय से एमकॉम एबीएसटी 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को और यहाँ पर उपस्थित सभी महाजनों को देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं ज्योति फौजदार, मुझे बीएड 2018 में गोल्ड मेडल मिला है। इसके साथ ही मुझे हाकिम सिंह त्यागी गोल्ड मेडल भी मिला है। मैं इसके लिए मेरे पूरे कॉलेज स्टाफ, उसके साथ यूनिवर्सिटी स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगी और सारे स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहूँगी कि जैसे हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, आप भी इस मुकाम पर पहुँचे हैं। थैंक यू। मैं श्वेता चौधरी, मुझे एमएससी जूलॉजी 2017 के बैच में गोल्ड मेडल मिला है और मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ और प्रेस यूनिवर्सिटी को देना चाहूँगी। थैंक यू। माय नेम इज़ रुचि अग्रवाल। मैंने यहाँ एमएससी बॉटनी को टॉप किया है जिसके लिए आज मुझे गोल्ड मेडल मिला है। उसके लिए मैं पूरी यूनिवर्सिटी, एमएस ब्रिज यूनिवर्सिटी और यहाँ के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो, दिस इज़ प्रियंका मदेना। इट इज़ माई फर्स्ट सिल्वर मेडल इन बीएससी स्ट्रीम। आई एम बीइंग वेरी ऑनरेबल एंड प्राउडेबल टू माई सेल्फ एंड टू माई फैमिली एंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम विमलेश कुमारी है। मुझे दो पदक मिले, एक स्वर्ण पदक और एक जगवंत राय बंसल। मैं अपनी सफलता से कॉलेज के सभी शिक्षक गणों को देना चाहूँगी। मेरा नाम सोनम अग्रवाल है। मैंने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उसके लिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इसके लिए अपने परिवार और महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरा नाम प्रीति अवस्थी है। मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन में गोल्ड प्राप्त किया है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि राज्यपाल और चीफ जस्टिस से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और मैं आगे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी आगे ऐसे लाइफ में आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही गोल्ड मेडल ऐसे ही अचीव करते रहें। मेरा नाम निशी गुप्ता है। मैं एमएसबी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल प्राप्त हूँ और मैं अपनी फैमिली और इस यूनिवर्सिटी का थैंक्स करती हूँ कि मुझे ये अनुभूति प्राप्त हुई। थैंक यू। I am Garima Parashar from MS Bridge University. I am very thankful for this university and our professor that he gave this beautiful opportunity for this. I am very thankful for governor that giving this a degree. Thank you. My name is Prachi Chaudhary और मुझे ब्रज यूनिवर्सिटी में BSc में सर्वाधिक अंक लाने पर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और यह मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, बहुत ही खुशी का क्षण है। मैं महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय और कुलपति साहब प्रोफेसर अश्विनी कुमार बंसल को बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू। मैं गार्गी सिंह राणा इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कॉन्वोकेशन समारोह में उपस्थित व सम्मानित होने पर भारी खुश हूँ और इस यूनिवर्सिटी की आभारी हूँ कि इसने मुझे मेडल पदक देने के बाद इतना सम्मानित महसूस कराया है, जो मेरी जिंदगी का एक सपना था जो आज पूरा हुआ है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। माई सेल्फ हरबान सिंह कोंते। मुझे 2017 एमएससी केमिस्ट्री की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है और इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को देना चाहता हूँ। थैंक यू। ब्रज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कॉन्वोकेशन था, बहुत अच्छा लगा आकर के। सभी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे किए गए हैं एंड सभी को हमारी तरफ से थैंक यू सो मच कि सभी आए और हमें बहुत ही आराम से सुना, अटेंड किया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बहुत जल्द दोबारा से ये अच्छा मोमेंट फिर आए। थैंक यू। बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारा कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी का, हमने कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा गाना था उसे भी गाया था, जिसके बोलते जय तू विश्वविद्यालय, और यहाँ के हमें बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं कि जो अवसर हमें मिला गाने के लिए, इतने दिनों से हम रियाज भी कर रहे थे। के डी नारायण जी सर हैं, लक्ष्मी राजौरिया मैम ने, प्रदीप भैया ने, मोंटी भैया ने, सबने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई। गयावल सर ने बहुत अच्छे से लिरिक्स लिखे थे और उन सब पे हमें सीख के बहुत अच्छा लगा, एक नया अनुभव मिला। हम सभी बहुत खुश नसीब हैं कि हम सबको ये मौका मिला यहाँ गाने का। राज्यपाल सर आए थे, उनके सामने हमने गाया
और सारी चीज़ें बहुत क्रम से चल रही थी, बहुत अच्छा था, सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सीखी हम। आज महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें जितने भी हमारे गेस्ट थे सबने सहयोग किया, जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित या जो बाहर के हमारे अतिथि थे सब समय से आ गए थे, और इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रथम दीक्षांत समारोह हमारे जो वीसी सर हैं प्रोफेसर अश्विनी कुमार बंसल, उनकी इच्छा थी और उनकी कामना सफलतापूर्वक पूरी हुई है, यह मेरा विश्वास है। हम सभी उनकी आगे और भी सफलता की कामना करते हैं, और हम सभी समस्त जो हमारे भरतपुर के नागरिक हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे कर्मचारी हैं, सबके तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल साहब, महामहिम आप यहाँ पधारे, आपके सानिध्य में ये कंपोजिंग म्यूजिक की कंपोजिंग करने का सौभाग्य मिला, और बच्चों ने गाया, इनको सबको बड़ा अच्छा गाया, और बहुत बहुत तहे दिल से हमारे कुलपति साहब और पूरे विश्वविद्यालय को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। मेरे साथ में मेरे राजस्थान कला केंद्र के लक्ष्मी राजौरिया जी और मेरे साथी सभी विद्यार्थी, जो सबने आज पहली बार इतने बड़े अहदे पर आज इतना बड़ा प्रस्तुति दी, तो आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू। फर्स्ट मैं इस ऑल मंच को अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस वॉलंटियर के कार्य के लिए चुना गया, और मैं एक वादा करता हूँ कि जब जब इस तरह हमें याद किया जाएगा, हम दिल से, तन से, मन से हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ रहेंगे। विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ, यह अवसर था इस ब्रज क्षेत्र की विशिष्ट प्रतिभाशाली मेधा का सम्मान का। महामहिम राज्यपाल महोदय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के हाथों से सम्मान प्राप्त कर आज इस क्षेत्र की प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को गर्व की अनुभूति हुई है। सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक ही नहीं वरन इस क्षेत्र का एक एक नागरिक इस सम्मान के कारण से आज आह्लादित महसूस कर रहा है। इनके साथ साथ विश्वविद्यालय के हम सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण इस प्रथम ऐतिहासिक प्रथम दीक्षांत समारोह के एक एक क्षण के गवाह बनने के कारण से, इसके प्रतिपल के भागीदार बनने के कारण से हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज इस विश्वविद्यालय के इतिहास में यह एक नींव का पत्थर साबित होगा, आगे निश्चित रूप से हमारे छात्र छात्रा और भी प्रतिभाशाली बनकर के निखरेंगे और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज माननीय राज्यपाल महोदय ने ऑपरेशनल रिसर्च में एक नया कोर्स MSc का खोलने की यहाँ से घोषणा भी की, हम सभी इससे और भी आह्लादित हैं। यह अपने आप में इस राज्य का प्रथम इस तरह का कोर्स है, पूरे राज्य में इस तरह का और कोई कोर्स किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है, और निश्चित रूप से जो इंडिया टुडे की रैंकिंग हमारी नई नई आई है, नए उभरते हुए विश्वविद्यालयों में हमने अपना एक मुकाम स्थापित किया है, यह नया कोर्स हमारे छात्र छात्राओं के बदौलत हमें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा।